हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज से हम लोग एक नया जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है ना। इस जर्नी में आप लोगों को झारखंड पॉलिटेक्निक का जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, वो सब सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप लोगों को इस जर्नी में सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये आज से स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग मतलब आप लोग जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक इंट्रांस एग्ज़ाम वालों का है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिन लोगों के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस नहीं मिल पाता है और इंट्रांस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है ना। और जब इंट्रांस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो उसको देने से पहले आपके पास एक ये बहुत ज़रूरी है ना, कि आप ये कोशिश करिए कि पिछले साल क्या क्या चीज़ें पूछी हुई है, यानी प्रीवियस ईयर में। कहने का मतलब कि 2-3-4 साल पहले का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, जिससे कि एक आपके पास आइडिया आ जाएगा कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम लोग यही पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस पेपर हैं, सब पूरा क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन आप लोग को करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक वीडियोज में 10-10 क्वेश्चंस आप लोग को रहेगा, ठीक है ना। एक वीडियोज में 10-10 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्यूशन करवाएंगे। और ये अभी मैथ का सीरीज चल रहा है, जिसमें आप लोगों को आज हम 2018 का जो क्वेश्चंस था, वो क्वेश्चंस आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चंस आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किस किस तरह से और उसका सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। और आप लोग को एक चीज़ बता दें कि अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक का इतिहास उठाकर देखिएगा, यानी पहले वाला उठाकर देखिएगा, तो इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो समझिए कि आपका 80-85% एग्जाम का तैयारी हो गया है, चाहे आप फ्यूचर में कभी भी एग्जाम दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहले भी दिए हुए रहते हैं, तो उन लोगों का आइडिया रहता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उन लोगों को उतना आइडिया नहीं रहता। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या पहले दे रहे हैं, सभी लोग आराम से इस लेक्चर को देखिएगा। तो ठीक है, आज से हम लोगों का स्टार्ट हो रही है जर्नी 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, तो 2018 का जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मैथ में हम लोग 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटेक्निक में जनरली 50-50 क्वेश्चन का आता है, यानी 50 मैथ का, 50 केमिस्ट्री का और 50 फिजिक्स का, यही सीरीज रहती है। तो हम लोग 50 भी कवर करेंगे, सब कवर करेंगे। तो आज हम लोग का 2018 का मैथ रहेगा और 1 से 10 नंबर तक का क्वेश्चंस रहेगा। आप लोगों का सबको स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज लाइक कर दीजिएगा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। ठीक है, मेरा नाम है शुभम कुमार। बहुत लोग पूछते हैं सर नाम क्या है, नाम क्या है, तो नाम है शुभम कुमार, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो 2018 का जो मैथ, 2018 का जो पॉलिटेक्निक एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ का सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था उसको। और ध्यान रखिए, क्वेश्चंस में क्या ना कि पूरा बुक से पूछा जाता है, तो पूरा बुक में जो आप लोगों का 10th का सिलेबस रहती है, उसी से एग्जाम रहती है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है ना। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन पे भी होगा, आप लोग भी आप लोग की स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं। और एक चीज और, इसमें किसी भी स्टूडेंट का लैंग्वेज बैरियर नहीं होने देंगे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर हिंदी इंग्लिश, ऐसे ऐसे बहुत लोगों को समस्या होती है कि किसी को हिंदी पसंद है तो किसी को इंग्लिश पसंद है। कभी देखिएगा कोई चैनल पर खाली हिंदी हो रही है तो कभी इंग्लिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में होगा, तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं होने देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था ना, कि देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि श्री, मतलब दो स्टूडेंट है, श्री ए और कुमार बी, श्री ए और कुमार बी मित्र हैं, उनकी जन्म तिथि भिन्न होने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। जबकि बोलता है लीप वर्ष की गणना न करें, यानी लीप ईयर के किसी भी तरह का कोई गणना नहीं करना। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे इज इग्नोरिंग लीप ईयर। तो देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को बता दे रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इधर आपके पास क्वेश्चंस लगा दिए, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन बोलता है कि दो आदमी हैं, दो मित्र हैं, मतलब एक ए है और एक बी है। बोलता है क्या कि उनके जन्मदिन भिन्न होने की प्रायिकता क्या, मतलब कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं हुआ था। और भाई 365 और लीप ईयर तो गणना करने के लिए बोल नहीं रहा, तो एक साल में 365 दिन में एगो के सोमवार के हुआ होगा तो एगो मंगल के हुआ होगा, इसी तरह ने कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे बोलता है कि जन्म तिथि भिन्न होने की प्रायिकता। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दोनों का सम क्या होता है, दोनों का सम यानी जोड़ वन के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम लोग करेंगे, यानी सपोज करते हैं ना कि वो दोनों जन्मदिन एक ही दिन लिया होगा, या दोनों जन्म एक ही दिन लिया होगा, या दोनों जन्म अलग अलग दिन लिया होगा। तो एक कंडीशन बनाते हैं कि सपोज करते हैं जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है ना, तो मान लेते हैं जन्म एक दिन, जन्म होता है ना, जन्म एक दिन लिया है वो, जन्म एक दिन यानी सेम डेज लिया, प्लस में जन्म अलग अलग दिन लिया यानी डिफरेंट डिफरेंट डेज लिया, अलग अलग दिन लिया, अलग अलग दिन लिया, अरे यार, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, वन। यानी वही होता है ना कि इवेंट घटना घटने के प्रायिकता, यानी आज बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, दोनों का सम वन होता है। तो मान लेते हैं जन्म हमसे क्या पूछ रहा है, जन्म अलग अलग दिन जो ले रहा है उसका प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। तो ये वाला लिख हमसे पूछ रहा है, तो जन्म अलग अलग दिन वाला, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डेज वाला पहले निकालेंगे, तो अलग अलग निकाल लीजिएगा। देखिए इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो वन माइनस क्या होगा, जन्म जो एक दिन लिया प्रोबेबिलिटी, जो जन्म एक दिन मतलब ये सेम डेज ले रहा है जन्म, उसका प्रोबेबिलिटी, जन्म एक दिन लिया उसका प्रोबेबिलिटी में से हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा जन्म अलग अलग दिन जो लिया है वो। तो देखिए अब यहाँ पे जो जन्म एक दिन ले रहा है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए पी यानी पी मीन्स प्रोबेबिलिटी बर्ड, या इसको क्या लिखेंगे, बर्थडे इन सेम डेज। अगर एक दिन मान लेते दोनों दोस्त एक ही दिन जन्म लिया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल क्या होता है, जो इवेंट जो घटना घटा, घटना क्या घट रहा है कि दोनों एक ही दिन जन्म ले रहा, तो दोनों एक ही दिन जन्म ले रहा, घटना घट रहा है एक, टोटल कितना है, टोटल है 365 दिन। अगर देखिए सेम डेज दोनों जन्म लेता तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/365 दिन। लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि जन्म डिफरेंट डिफरेंट डेज ले रहा है, तो एगो आज ले रहा है तो एगो कल ले रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए अगर ये निकालना है तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, तो डिफरेंट डेज अगर पूछे तो क्या है, देखिए यहाँ पे अगर जन्म अलग अलग दिन ले तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे, वन माइनस जन्म जो एक दिन लिया उसका प्रोबेबिलिटी से उसको माइनस कर देंगे, तो 1/365 डेज। ऐसे जब सॉल्यूशन करेंगे 365 में से एक घटाएंगे तो 364, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे बहुत लोग ये सोचेंगे ना कि अब यहाँ पे देखिए अब इतना कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, आप दिमाग में बैठाइए कैसे कैसे काम होती है, घटना घट रहा है घटना नहीं घट रहा, दोनों का सम वन होता है, तो घटना घट रहा है यानी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, घटना नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी वन। तो हमको क्या पूछ रहा है, घटना नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी यानी अलग अलग दिन का प्रोबेबिलिटी, उसमें से क्या करेंगे, वन माइनस घटना घटने का प्रोबेबिलिटी यानी जो इवेंट अकर हो रहा है वो वाला, तो क्या करेंगे, वन में से एक दिन मान लेते सपोज करते दोनों एक ही दिन जन्म लिया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/365, यहाँ से माइनस करेंगे तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड आप लोगों का क्या था ना, सेकेंड पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो अगर आपको मीन मीडियन एंड मोड का रिलेशन पूछे ना, तो याद रखिएगा क्या होता है, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस में एगो मोड होता है, यानी कहने का मतलब कि 3 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस में 1 बहुलक, याद रहेगा
याद रखिएगा, थ्री मीडियन बराबर दो मीन प्लस में ए गो मोड, ये होता है रिलेशन। रिलेशन बिटवीन, अगर मीन मीडियन मोड के बारे में बात करें तो आप इसी को टिक करिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला हमेशा पूछता है एग्जाम में, और हम बताएं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेड होता है। तो बस झारखंड का यही इतिहास है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, अभी ऊपर वाला मिटा देते हैं। सॉल्यूशन आप लोग भी कर लीजिएगा सब लोग, और देखिएगा कि कैसे होती है सो काम। और एग्जाम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीन बोलता है कि प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु यानी कोन दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यानी वो कोई मिट्टी से बना हुआ कोन है, कोन कोन मीन शंकु, जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी उसका जो बेस होता है ना कोन का बेस, जैसे आप बर्थडे मनाए होंगे तो बर्थडे वाला टोपी देखते हैं नीचे कैसे रहता है, गोल रहता है, वही दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। एक बालक उसे पुनः एक गोले का आकार देता है, यानी फिर वो टोपिया के क्या है ना कि बच्चा को दे दीजिएगा ना तो मोड़ मार के मोड़ चमोड़ के क्या कर देगा, गोल बना देता है, गेंदा खेलने लगेगा, तो उसी तरह गेंदा जैसा वो बना दिया। तो बोलता है क्या कि गोले का त्रिज्या बनाइए बताइए, तो वही टोपिया को मोड़ के छोटा सा गोला बना दिया, तो गोला का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना, स्फेयर का रेडियस, तो वही हमसे पूछ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान आप रखिएगा, जो आपका कोन था ना ये मतलब जो टोपी था ना, उसी को वो दूसरा शेप में चेंज किया, ओनली फॉर शेप चेंज हुआ, शेप यानी आकार चेंज हुआ, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो पहले वाला जितना पहले वॉल्यूम था कोन का, बस उतना ही वॉल्यूम अभी भी है, क्योंकि उसमें से उस टोपी में से या वो जो मिट्टी बनाया है वो मिट्टी को कुछ काट के हम लोग अलग नहीं किए, वही वाला मिट्टिया को बना दिए हैं क्या, स्फीयर। जैसे कितना नंबर का, थर्ड। जैसे देखिए ये एक कोण था इस सिचुएशन में, ध्यान रखिए कहीं पे भी बोले ना कि एक शेप को चेंज करके हम लोग दूसरा शेप, मतलब एक स्ट्रक्चर से चेंज करके दूसरा स्ट्रक्चर में ला दिए हैं, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा दोनों का वॉल्यूम मतलब आयतन इक्वल होता है, यानी इसी चीज को हम लोग चेंज करके क्या बना दिए, इस तरह से गोला बना दिए, तो जब दोनों गोला बना दिए तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि बस खाली साइज चेंज है, दोनों के अंदर का मटेरियल सेम। एक गिलास चाव, एक गिलास आटा लीजिए, आटा को क्या कर सकते हैं आप, नीचे रखिएगा ना तो देखिएगा अरे गिलास जैसा बन गया, वही अटवा को क्या करिए पूरा तोड़ ताड़ के, और फिर या तो आप उसको ये सब एक जगह जमा कर दीजिए, सैप तो चेंज हो गया लेकिन दोनों में क्या एक ही गिलास आटा है, एगो स्ट्रक्चर बन गया गिलास की तरह, बचपन में किए होंगे बालू पर बैठ के, एगो क्या है एगो गोला टाइप का बन गया, सबको जमा कर दीजिएगा एक जगह, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 24, फिर दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है 6, तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका रेडियस पूछ रहा है। दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये गोला है, गोला का वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, हमसे रेडियस पूछ रहा है। तो देखिए तो ये 3 से ये 3 कैंसल आउट, ये पाई से ये पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर मीन्स यहाँ से यहाँ तक 6, यानी 6 का स्क्वायर 6 × 36 गुने हाइट, हाइट कितना है यहाँ पे 24, तो 24 इधर रखेंगे, देखिए ये 4 कट के यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, बराबर इधर बचेगा आर क्यूब, ठीक है ना। अब इसको काटते, किसको काटते, 4 × 6 = 24, देखिएगा यहाँ पे आर क्यूब है, ये 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6, और ये एक 6 अपना था, और ये आर क्यूब, आर क्यूब एने आएगा तो अंडर क्यूब आ जाएगा, अंडर क्यूब बराबर, और अंडर क्यूब में क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट रहता तो 2 × 1 निकलता, अंडर क्यूब में क्या होता है कि 3 × 1 निकलता, तो रेडियस बराबर क्या निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही तो हमसे पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, कि यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब का दो, मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का आयतन का दो घन है उसको आपस में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी घनाब, तो जब ये देखिए दो क्यूब है, छोटा छोटा क्यूब मीन्स घन वाला है, जब उसको आपस में जोड़ेंगे ना तो एक क्यूबाइड बन जाएगा, समझे, जब क्यूबाइड बन जाएगा तो उसका बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया, फाइंड द
सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसको देखिए कैसे बनाइएगा, सो मिटा देते इसको, थ्री के बाद फोर। आप लोग भी देखिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग भी। हम लोग क्या बोलता है, टू यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घन, 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, दो घन है, दोनों घन यानी दो क्यूब है, दोनों क्यूब को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एगो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है, एगो क्यूब है और एक और क्यूब है। तो देखिए, जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे ना, तो ये स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या चेंज हो जाएगा, देखिएगा, इसका जो ये वाला था ये तो इक्वल इक्वल रहता है, एल 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 इक्वल होगा, ये भी एल 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 समझिए कि इक्वल होगा। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना, देखिएगा ये वाला जो लेंथ हुआ ना, नीचे वाला लेंथ वो बढ़ जाएगा, लेकिन ये वाला और ये वाला नहीं होगा। जैसे दो ईंटा को आपस में जोड़िए ना, तो देखिएगा कि सामने से लंबाइया बढ़ जाता है, लेकिन उसका ऊंचाइया वही रहेगा, और इधर जो ई वाला इधर भाग रहा है वो सब इक्वल इक्वल रहता है, खाली लेंथ हुआ बढ़ जाता है, बस यही ना होता है और तो कुछ नहीं होता। जब दोनों को ऐड करेंगे ना, तो देखिएगा ये इस तरह से इतना लंबा देखने लगेगा, बाद बाकी सब सेम रहेगा, यानी ये इस तरह से लेंथ बढ़ जाएगा, तो फिर लेंथ विड्थ हाइट सब अलग अलग हो जाएगा ना, ये इस तरह से बन जाएगा। यही दोनों को जब आपस जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला लेंथ वहां बढ़ जाता है, तो पूछ रहा है इसी का सर्फेस एरिया निकाल के बताइए। हम लोगों को क्या दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब के दो घनों का, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड क्यूब होता है, तो साइड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 64। अब यहां से साइड निकालेंगे तो ये भी इधर अंडर क्यूब हो जाएगा, तो 64 को क्या लिख सकते, 4 4 4 4 चौंगा 16 चौंगा 64 का क्यूब, यानी तीन गो पर ए गो, यानी साइड बराबर क्या निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये साइड निकला और क्यूब का साइड क्या होता है, सब इक्वल इक्वल, तो देखिए ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये 4, ये भी 4, ये भी 4। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला जो विड्थ है और ये वाला जो हाइट है, विड्थ और हाइट तो इक्वल ही इक्वल रहेगा, यानी ये जो विड्थ है ये 4 रहेगा, इसका हाइट क्या रहेगा 4 रहेगा, ओनली फॉर ये वाला जो लेंथ हुआ है, ये लेंथ हुआ बढ़ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 4 4 इधर वाला और 4 इधर वाला, ये टोटल क्या आ जाएगा 8। बस अब डायमेंशन निकलिए गया, ये एल ये बी एच, टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना पूछ रहा था, परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल यानी क्यूब क्यूब का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 LB + BH + LH, ठीक है ना। अब देखिए LB 8 चौंका 32 32 + BH 4 चौंका 16 + LH, L यहाँ है, H यहाँ है, 8 चौंका 32 कितना आ रहा, देखिए 32 32 64 64 और 6 70 70 और 10 80, यानी 2 × 80 बराबर 8 × 16 160 सेंटीमीटर अब यहाँ पे होगा स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बोले तो ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आई होप आ गया होगा, हम मेरा मकसद है कि आपको हमको समझा देना है कैसे भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, मेरा मकसद यही है कि हम आप लोग को कैसे भी समझा दे इसको। थ्री के बाद देखिए फोर। फोर हम लोगों को क्या बोलता है कि 22 सेंटीमीटर का परिधि यानी 22 सेंटीमीटर का एक सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का, और उसका बोलता है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी एरिया ऑफ, हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जबकि हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 22 सेंटीमीटर का एक सर्कमफ्रेंस यानी एक सर्कल दिया हुआ, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ, सॉरी सर्कमफ्रेंस दिया हुआ यानी पेरीमीटर बोले तो परिमाप बोले तो पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या पूछता है, हम लोगों को पूछता है इसका क्वाड्रेंट एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी क्वाड्रेंट ये क्या बनेगा ऐसे ऐसे, तो देखिए क्वाड्रेंट मीन्स ये वो केवल और केवल ये वो पार्ट का,
तो केवल और केवल एगो पार्ट का एरिया, यानी मान लेते इसका एरिया एगो ले लेते हैं, इसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है, कैसे निकालिएगा? तो रेडियस का जरूरी पड़ेगा, रेडियस तो दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले रेडियस निकालने के लिए पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr2। तो फिर पेरीमीटर इसका क्या होगा, 2πr बराबर 22, यहाँ से रेडियस बराबर क्या आएगा, 22 अपॉन में 2π, पाई का वैल्यू 22/7, 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22, तो रेडियस बराबर 7/2 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस निकल गया 7/2 सेंटीमीटर, अब एरिया निकालना है। तो देखिए इसका टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया में इसको कई पार्ट में बांटे, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट में इसको बांटे है ना। तो टोटल एरिया में से हमको क्या चाहिए, एक एक ओके एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया में से 4 पार्ट में बांटे हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ए ओके पता चल जाएगा, बस यही तो है। यानी अब एरिया लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, टोटल एरिया पहले निकाल लेते हैं। टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से हमको एक ओके एरिया चाहिए तो उससे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट में बढ़ जाएगा, 4 पार्ट में बढ़ जाएगा तो एक ओके एरिया हम लिख देंगे बस। अब यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू क्या आता है, 22/7, रेडियस क्या दिया बस 7/2, यहाँ पे 7/2, तो दो बार लिखेंगे 7/2 हो गया, नीचे अपना 4 है तो 4 रहने देंगे, 7 से 7 कैंसल आउट, 2 से 11 कैंसल आउट, तो 11 × 77/4 × 8, 11 × 77/8, यही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिफ्थ के बाद देखिए सिक्स मेरे को देखिए क्या पूछता है, इस तरह से दिया हुआ सर्कल का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से है इससे एगो, यानी वो जो होता है ना चिड़िया पक्षी, उस पक्षी का चोंच है, यहाँ से एगो ऐसे। यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे ये जो यहाँ पे एक टी दिया हुआ है ना, इस टी का वैल्यू पूछ रहा है, ये टी का वैल्यू। तो क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे, देखिएगा क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे नाम दे दे सबका, यहाँ पे पी, यहाँ पे ओ दे दे रहे हैं, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे टी। देखिए एक चतुर्भुज का जिसको 4 गो एंगल होता है, 4 साइड 1, 2, 3, 4, सब मिला के कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, जबकि ये 90 है, ये तो 90 है ही है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कहीं पे भी टेंजेंट लाइन खींचा जा रहा है उस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको ना खुद से सोचना होगा, समझे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, टी का, तो एंगल टी क्या होगा, टोटल 360 है, 360 में से माइनस कर देंगे ये तीन एंगल, 9 × 2 = 18, 180 और 10, 90 और 100, 290 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 0, 0, 0, 16 में से 9 × 9 = 16, 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, 6 को हो गया, और सब लाइन बाय लाइन करवा दे रहा है ना। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर, 6 के बाद 7 नंबर, और सब लोग देखिएगा इसका एक प्लेलिस्ट आप लोग का क्रिएट कर देंगे, प्लेलिस्ट से भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जाइएगा चैनल के सेक्शन में प्लेलिस्ट में, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्या चीज से पूछा था, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा था। हमसे क्या पूछता, हमसे पूछता है, और एक चीज और बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का सिंपल एंड साधारण तरीका, सबसे पहले आप क्या करिए ना, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए, और क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना, ये चीजों पे ध्यान दीजिए आप, और उसी के अनुसार आप प्रत्येक स्टेप को आगे ले जाइए तो पता चल जाएगा, क्योंकि आप उस चैप्टर के बारे में कभी ना कभी कुछ पढ़े हैं। अगर आप बढ़िया से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो पढ़े ही होंगे, यानी तो 10th में तो पढ़े ही होंगे सब लोग, ठीक है ना। तो वही चीज है,
देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर हमसे पूछ रहा है, हिंदी में क्या दिया हुआ, धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर। तो धरातल मीन्स एनएफ कहीं धरती होगा, पृथ्वी, पृथ्वी पर एगो कोई ये पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे क्या इसे टावर खड़ा होगा। और बोलता है इसी टावर के पॉइंट से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं ना कुछ दूरी है, कितना मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी पर एगो कोई क्या है, एगो कोई पॉइंट है, एक बिंदु है जो टावर के आधार से, यानी ये टावर का बेस है, उस टावर के बेस से कुछ दूरी पर है, कितना मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है। फिर बोलता है क्या, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी टावर का शीर्ष यहाँ पे है और इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से जाएगा ऐसे, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। फिर बोलता है कि तो टावर का ऊंचाई मीटर में बताइए, यानी हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर यही है ना, तो यही हमसे एज पूछ रहा है, सिंपल। टावर इसने ना सीधे ना खड़ा होता है, आप लोग भी देखते हैं टावर से कुछ दूर पर आप खड़ा है तो आप ऐसे करके ऊपर आँख लगा के देखिएगा ना, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा, एक बार सीधे देखिए, एक बार ऊपर देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है बीच में, वही दिया हुआ 30 डिग्री, हमसे क्या पूछता है हाइट, तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने का तरीका है मेरे पास, क्या है तरीका निकालने का मेरे पास, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाइए, ये 30 डिग्री दिया हुआ, ये हाइट है, ये 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए टैन 30 डिग्री बराबर, यानी टैन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, पी के जगह पे क्या दिया हुआ, एच बटा नीचे दिया हुआ 30, ठीक है ना। टैन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर एच बटा 30, 30 को ऊपर ले जाते हैं, 30/√3, देखिए √3 को रेशनलाइज कर दीजिए, √3/√3, यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से इधर से बचेगा एच, √3, थ्री 3 से 30 काटेंगे तो 10 + 30, यानी एच बराबर 10 मीटर में ना था, यहाँ पे मीटर में आ जाएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, समझे। देखिए और एक चीज़ और बता रहे हैं, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन आप जब पढ़िएगा ना क्वेश्चन तो लगेगा बाप रे बाप कितना बड़का भारी, क्योंकि एग्जाम में सब ऐसा थोड़ी ना, एग्जामिनर जो सेट करता है वो एक एक क्वेश्चन को पूरा लंबा खींच देगा, और जो टेंथ में आप लोग पढ़े हैं ना कि पूरा समराइज करिए, पूरा एक्सप्लेन करिए, वो सिस्टम नहीं यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप जितना शॉर्ट में बना सकते हैं उतना ही अच्छा है, समझे, यही है, जितना आप शॉर्ट में बनाइए उतना ही आपके पास समय बचेगा, क्योंकि समय लिमिटेड है ना, ज़्यादा समय नहीं है और क्वेश्चंस ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 7 के बाद 8, 9, 10, इसके बाद 7 के बाद 8 ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो 7 के बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन नंबर, देखिए 8 हम लोगों को क्या बोलता है, हम लोगों को बोल रहा है कि sec a plus tan a into 1 - sin a दिया हुआ, क्या दिया हुआ, sec a plus tan a दिया हुआ है into क्या दिया हुआ, 1 - sin a, ठीक है ना, ये दिया हुआ। अब यहाँ से पूछता है कि 4 ऑप्शन है, इसका क्या होगा, sec a होगा, tan a होगा, cos a होगा या cos a होगा, क्या होगा, इसको देखिए कैसे बनाते हैं इसको, तो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, कहेंगे हाँ इससे बनाएंगे, जल्दी बनता है इस पेन से, देखिए sec a को क्या लिखेंगे, देखिए sec a को लिख सकते हैं ना 1/cos a, ठीक है लिख देते हैं, प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin a अपॉन में नीचे क्या लिख सकते हैं, cos a, इतना डाल दे रहे हैं बगल में, अपना क्या रहेगा बगल में 1 - sin, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos LCM ले लेते हैं, cos LCM ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 + sin a बचेगा, फिर इंटू क्या बचेगा बगल में 1 - sin a, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा दोनों जगह सेम सेम डाटा बच रहा है, ये देखिए a प्लस बी ये मिल रहा है, बगल में क्या है a माइनस बी, और बीच में मल्टीप्लाई, एक फार्मूला बन रहा है, देखिए a माइनस बी इंटू, अगर a प्लस बी कहीं पे भी दे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस
लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी जगह ए के जगह क्या है, वन, तो लिख सकते हैं वन के स्क्वायर माइनस बी के जगह क्या है, साइन है, यानी साइन साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। अपॉन में नीचे देखिए कॉस ए इंटू वन क्या हो जाएगा, कॉस ए। ऊपर वाला क्या दिख रहा है आपको, वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या दिखता है, फॉर्मूला क्या होता था, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, वन। क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर। क्या वन माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए, नीचे अपना मिलेगा कॉस ए। देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर मीन्स दो को कॉस है, वो नीचे कॉस है, तो एक कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, फाइनली कॉस ए आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर नाइन मेरे को दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में दिया हुआ है मेरे को साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, कैसे लिखेंगे सो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, देखिएगा क्वेश्चन लगा दिए बगल में, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस है अपना। अब देखिए एक दिया हुआ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 27 को हम लोग क्या करेंगे, तो मिटा देते हैं। साइन स्क्वायर 27 को चेंज करिए, अभी जो कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताया था ना उसमें इसको आप चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे सो देखिए, या नहीं तो आप सिंपल तरीका क्या लिख सकते हैं सो बताएं, सिंपल तरीका सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर के साथ, या नहीं तो साइन स्क्वायर नहीं लिखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर के साथ 90 माइनस, नहीं फिर वैसे और गड़बड़ आ जाएगा, साइन के साथ तोड़िए क्या फर्क, साइन स्क्वायर के साथ क्या लिख सकते हैं 90, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर रहने देते हैं, इस 27 को तोड़ देते हैं, 90 माइनस क्या 63 डिग्री। देखिए तो 90 में से 63 63 घटाएंगे, 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब क्या लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर सपोज करिए ये स्क्वायर हटा देते हैं तो ये क्या बनता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर था तो अगर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 63 डिग्री रहेगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह सेम सेम है, बराबर क्या होता है इसका वैल्यू, वन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वन बोले तो ऑप्शन बी, समझे, बिल्कुल समझे। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 10, और जो इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन ही करवाएंगे एक एक सीरीज में, तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है सो देखिए, हमसे क्या बोलता है कि इफ साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया हुआ है मेरे को, तो a का a बराबर क्या होगा। सबसे पहले बताएं एक इसको ना दो तरीके से बता दे रहा है, अगर आप फार्मूला एक फार्मूला याद कर लीजिए, क्या फार्मूला याद कर लीजिए ना, कि साइन 2a बराबर एक फार्मूला आता है क्या, 2 साइन a इंटू कॉस a। देखिए जो 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट होंगे वे इस फार्मूला को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो 11th वाले लोग होंगे वे लोग इस फार्मूला को समझ लेंगे क्या है सो, और जो 10th स्टैंडर्ड वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी बता दे रहे हैं आप लोग कैसे इसको बनाएगा। पहले इस फार्मूला से बनाते हैं ना, तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a, तो यहाँ लिख देते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a इधर डालते हैं। देखिए तो ये 2 साइन a को एन ए लाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस a बराबर 2 साइन a अपॉन में ये आ जाएगा 2 साइन a, कटेगा 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 बिल्कुल कटेगा, तो कॉस a बराबर क्या होगा 1, 1 बराबर क्या आता है, कॉस 0 डिग्री,
लिख सकते हैं ना 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखिए दोनों तरफ से कॉस कॉस रिमूव करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 0 डिग्री। यही आंसर, यही पूछ रहा था ए बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री बोले तो ऑप्शन नंबर ए पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन 2a बराबर 2sin a है ना, साइन 2a बराबर 2sin a। इंट्रांस एग्जाम में टाइम बचाना है उसके लिए क्या करना है, एक और तरीका होता है कि आप ऑप्शन पुट करके देखिए। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, चार वो ऑप्शन है ना आपके पास। चारों ऑप्शन में से क्या करिए ना, वैल्यू पुट करके देखिए। ए ही बराबर तो बोल रहा है, ए बराबर पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 0 तो 2 × 0 0 आ जाएगा, बराबर 2sin ए बराबर 0 साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 × 2 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। बस देखते आंसर, समझे, बाय प्रोसेसिंग चलिएगा तो इतना कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो बाय अगर ऑप्शन चलिएगा तो ये कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 तक आप लोगों को हम कवर करवा दिए, और ये जो भी सीरीज चल रही है ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑफिशियल क्वेश्चंस, उसका ये सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो बस इस सीरीज को हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, और फिर देखिए, और आप लोगों को बता दे रहे कि आप इसका पूरा फुल सीरीज देखिएगा, फुल सीरीज देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत काम का चीज़ है ये आप लोगों का। कम से कम इस सीरीज में 20 से 25 वीडियोज हो सकता है शायद अप्रॉक्स में अपलोड किया जाए। सब सीरीज आप देख लीजिएगा ना, तो कम से कम बोले ना 85 से 90% आपका एग्जाम यहीं पे निकल जाएगा। क्योंकि आप उठाकर देखिए हिस्ट्री झारखंड पॉलिटेक्निक का, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा ना तो आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से पूछता है उसको। तो ठीक है, बस इस सीरीज को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। सब लोग जाते जाते वीडियोज को लाइक, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।